हेलो दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक कुन्नूर। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे विंडोज PSR टूल को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर के हर एक स्टेप को स्क्रीनशॉट और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ कैसे रिकॉर्ड करें। दोस्तों, PSR एक यूजफुल टूल है। इसके द्वारा हम कंप्यूटर में होने वाले हर एक स्टेप्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस रिकॉर्ड की हुई एक्टिविटी को हम अपने स्टूडेंट्स के साथ या ट्रेनीज के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं PSR टूल कैसे ओपन करें। दोस्तों, PSR टूल को ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड पर टाइप करें Windows+R। जैसे ही हम टाइप करेंगे विंडोज आर, रन कमांड ओपन हो जाएगा और टाइप करें PSR और प्रेस करें एंटर। दोस्तों, जैसे ही हम PSR टाइप करेंगे, ये स्टेप रिकॉर्डर का जो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है विंडोज में ओपन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपने रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए क्लिक करें स्टार्ट रिकॉर्ड। अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ये जो सॉफ्टवेयर है हर एक स्टेप को रिकॉर्ड करेगा। चलिए सबसे पहले मैं माई PC ओपन करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ। और उसके साथ एक ड्राइव है eSoft, इसे मैं ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके। और एक सॉफ्टवेयर है MATLAB 2017, मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करें। इस तरह हो गए 3 स्टेप्स। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ और रिकॉर्डिंग का जो PSR टूल है उसे हम स्टॉप करेंगे। क्लिक करें स्टॉप रिकॉर्डिंग। जैसे ही हम स्टॉप रिकॉर्डिंग का क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट के साथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ एक विंडो ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पहले स्टेप में हम लोगों ने ओपन किया माय कंप्यूटर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीनशॉट। दूसरे स्टेप में हमने क्लिक किया क्लिक ओपन, यहाँ पे लिखा है लेफ्ट क्लिक ओपन मेनू। इसी तरह तीसरे स्टेप में मैंने डबल क्लिक की है एक कंप्यूटर ड्राइव पर। इसके बाद मैंने इस ड्राइव पर लेफ्ट क्लिक करके इस ड्राइव को ओपन किया और आखिरी में मैंने MATLAB फोल्डर को ओपन किया है यूजर लेफ्ट क्लिक ऑन MATLAB और इस तरह। उसके बाद मैंने इसे क्लोज कर दिया है। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर ने जो है स्क्रीनशॉट के साथ साथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ हमारे हर एक स्टेप को इसने रिकॉर्ड किया है। दोस्तों, इस टूल को हम कोई लैब मैनुअल बनाने के लिए या कंप्यूटर के नोट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे इसको हम कैसे सेव करें। दोस्तों, सेव करने के लिए क्लिक करें सेव रिकॉर्डिंग। ये जो है कंप्रेस्ड यानी जिप फॉर्मेट में सेव हो रहा है। मैं इसका नाम दूंगा टेस्ट। क्लिक करें सेव और लोकेशन होगा डेस्कटॉप। क्लिक करें सेव। चलिए अब हमें ये सॉफ्टवेयर को क्लोज करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक जिप फाइल बनी हुई है, उसका नाम है test.zip। इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक फोल्डर ओपन होगा। चलिए हम इसे ओपन करते हैं। राइट क्लिक करें ओपन विथ, हम एक्सप्लोरर भी कर सकते हैं, मैं इसे ओपन करूंगा विथ MS Word। दोस्तों, हम यहां पे देख सकते हैं जो रिकॉर्डिंग भी है स्टेप बाय स्टेप उसको हमने MS Word में ओपन कर लिया। अगर हम चाहते हैं तो इस फाइल को हम एडिट करके अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल लैब मैनुअल या एक ट्रेनिंग गाइड बनाने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।